डिप्रेशन बदन की बीमारी के साथ उसका प्रेजेंटेशन है वो पेशेंट के बारे में मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक लेडी मेरे पास में आई, उम्र करीब करीब 40 साल की, उसकी केस हिस्ट्री मेरे सामने है और घर वाले थे उनके साथ में, मिस्टर थे, उनका बेटा था। उनका यह कहना था कि बहुत चिड़चिड़ करती रहती है, पिछले 4 महीनों से बहुत एजिटेटेड रहती है, मतलब ऐसे शांत नहीं रहेगी, घूमेंगी इधर से उधर उधर से इधर, घर में खाना पकाएंगी तो वहाँ भी चिड़चिड़ापन है, वहाँ भी कुछ तो भी किसको बोल देंगी, वहाँ भी एक साथ ऐसा खाना नहीं पकाएंगी, उधर से इधर जाएंगे, ऐसा रेस्टलेसनेस है, एजिटेशन है। फिर उसको नींद नहीं आ रही बराबर, हार्डली 2-3 घंटे 4 घंटे सोती रहती है। बोलती है, उसको पूछा तो बोलती है, छाती में सीने में जलन होती है बहुत और अंगार होती रहती है उसके, और हरदम गुस्से में रहती है, किसने कुछ बोल दिया कि इसका गुस्सा एकदम फटाक से आ जाएगा, और इतना रिएक्टिविटी है कि अभी लोग डर रहे उसके साथ में बातचीत करने के लिए कि बोलना क्या है, क्योंकि उसको हर बार ऐसा लगता है कि अपने को कुछ तो भी टर्न कर रहे हैं, अपने को कुछ तो भी उल्टा बोल रहे हैं, अपने खिलाफ ही है क्या, ऐसा गुस्सा करती रहती है। फिर उसको डकाराते हैं, जी मछलाता है, और दिन भर बोलते कि मेरे मुंह में थूका आता है, फिर थूकती भी है काफी बार, घबराहट होती रहती है, बार बार विचार आते हैं, नींद कम है। और मेन उसका जो था, जब उनको उसको पूछा मैंने लेडी को कि भाई आपको क्या तकलीफ है, तो बोले मुझे बहुत उदासीनता लगती है, नर्वसनेस लगता है, अभी क्या कुछ पड़ा नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी ये मैंने मर जाना चाहिए, अभी बहुत हो गया है, अभी मेरी MCB जो है मेंस्ट्रुएशन वो भी अभी मतलब अभी कम होते जा रहा है, मेनोपॉज में आ गई, अभी क्या अपना बचा है वगैरह वगैरह, मतलब ऐसा वो बोलने लगी। मुझे लगा यार ये तो डिप्रेशन प्रेजेंटेशन है, और डिप्रेशन ऐसा भी प्रेजेंट करता है कि मतलब दिखता कुछ भी नहीं है, लोगों को लगता है कि वो चिड़चिड़ी हो गई है, और एक्चुअली रहता उसका जड़ जो है वो डिप्रेशन है, एजिटेटेड डिप्रेशन उसको बोलते हैं। तो फिर उनको हमने एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि ये उम्र में डायबिटीज़ है क्या वो देखना पड़ता है, फिर क्रिएटिनिन देखा कि भाई उनका किडनी का कैसा क्या स्टेटस है, सोडियम पोटेशियम किया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, शुगर है क्या, फिर रूटीन ब्लड काउंट है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन से रूटीन वो कर लिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड के फंक्शन टेस्ट। तो ये सब करने के बाद में सभी रिपोर्ट नॉर्मल थे, उसको हमने एंटी डिप्रेसेंट चालू किया, और हमने बोला कि भाई ठीक है अभी इनको हम साइकोथेरेपी देते हैं, तो उनको हमने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी RABT उसका मैंने सजेशन दिया, और साथ साथ हिप्नोथेरेपी, और वो हमने चालू करवाया। बोले हमको पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, पहले बहुत ट्रीटमेंट लिए, मैंने ठीक है ऑनलाइन करते हैं। फिर अभी आजकल तो क्या है कि ऑनलाइन वीडियो कॉल होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं, तो वीडियो कॉल हमने चालू किए, और वीडियो कॉल से फिर वीडियो कॉल में एक अच्छा है कि भाई आमने सामने दिखते हैं लोग, क्लोज दिखते हैं, और कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें फिर जब मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, तो उनको काफ़ी फर्क दिखा, मतलब दूर का पेशेंट भी अभी हम अच्छा कर सकते हैं। पहले क्या था, एक लिमिटेशन थी कि नहीं आपको आना पड़ेगा, अभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं, जब लॉकडाउन चालू गया तब से कि अभी लोगों को लगता है कि आने की जरूरत ही नहीं है, जाना आना करना ही नहीं है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे इलाज हो जाएगा, तो लोग घर बैठे बैठे लोग इलाज कर रहे, घर बैठे बैठे लोग दवाई मंगा रहे, और कंसल्टेशन घर बैठे होता है। तो उन्होंने फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी वो चालू करके तबीयत अच्छी हो गई। केस देने का, केस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ये था कि भाई डिप्रेशन, एजिटेटेड डिप्रेशन इस तरह का प्रेजेंट होता है कि अपने को भी वो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो अलग ही कुछ तो बीमारी है, मगर निकलता है डिप्रेशन। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा तो जरूर ये उम्र के स्पेशली लेडीज़ को शेयर करो, 40 से लेकर 50 साल तक जब उनकी MC जाती है, मतलब खत्म होना चाहते हैं, मेनोपॉजल सिंड्रोम इसको बोल सकते हैं, मतलब ये मेनोपॉज सिंड्रोम नहीं, मेनोपॉज आते रहता है, और मेनोपॉज के समय इस तरह की तकलीफ उनको हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, तो स्पेशली वो लोगों को शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।